issue of shares in consideration of assets other than cash. अच्छा ये अब हमारा एक टॉपिक आ रहा है इलस्ट्रेशन नंबर 6 के बाद और इलस्ट्रेशन नंबर 7 से पहले, ठीक है, ये एक टॉपिक है। टॉपिक क्या है जी कि आप शेयर्स इशू कर रहे हैं किसके अगेंस्ट, आपने एसेट्स ले लिए किसी कंपनी के, ठीक है, या किसी पर्सन से, तो आपने उसको कैश पे करने के बजाय आपने उसको शेयर इशू कर दिए। इसका मतलब ये है इश्यू ऑफ शेयर्स इन कंसिडरेशन ऑफ एसेट्स अदर देन कैश, यानी कि आपने एसेट्स ले लिए किसी पर्सन से या किसी कंपनी से और आपने उसको कैश पे करने की बजाय शेयर इशू कर दिए, ठीक है। तो कंसिडरेशन ऑफ एसेट्स का ये मतलब है कि आपने एसेट्स को कंसिडर किया, ठीक है, कैश पे करने की बजाय आपने शेयर इशू कर दिए उस कंपनी को या उस बंदे को, ठीक है। ये पैराग्राफ है, इसको आप रीड कर लें, ठीक है। इसमें आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है सिर्फ एसेट्स की और लायबिलिटीज की। इन शॉर्ट मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, फिर इसके बाद हम इलस्ट्रेशन नंबर 7 करेंगे कि दिलावर ब्रोस है, ठीक है, उससे आपने तीन एसेट्स लिए हैं। नंबर वन बिल्डिंग 60,000 की, लैंड 40,000 की, मशीनरी 30,000 की, ठीक है, और आपने दिलावर ब्रोस को पेबल बना लिया, अकाउंट पेबल कितने से, 1,30,000 से। आपने दिलावर ब्रोस से इस ट्रांजेक्शन का ये मतलब है कि आपने दिलावर ब्रोस से एसेट लिया तीन, ठीक है, और अपनी बुक में इसको अकाउंट पेबल बना लिया क्रेडिटर 1,30,000 से। अब आप इसको कैश पे करने की बजाय 1,30,000 रुपए के शेयर्स इशू कर रहे हैं। तो आप इस पैराग्राफ को रीड कर लें, इसमें सिर्फ यही इंफॉर्मेशन दिवन है आपको कि आपने तीन एसेट ले लिए दिलावर ब्रोस से और उसको शेयर इशू कर दिए। तो पहली एंट्री जो है आपने एसेट को डेबिट किया, दिलावर ब्रोस को पेबल बना लिया, और सेकेंड एंट्री में आपने शेयर इशू कर दिए। तो क्या एंट्री की, दिलावर ब्रोस को आपने डेबिट कर दिया खत्म करने के लिए और शेयर कैपिटल को आपने क्रेडिट कर दिया 1,30,000 से, ठीक है। नरेशन में लिखा हुआ जी आपने 30,000 शेयर्स दिए हैं। ये शेयर्स आप कैसे निकालेंगे, जब आपको पता होगा कि आपने किसी पार्टी को कितना पे करना है, ठीक है, तो पेबल को डिवाइड कर देंगे आप शेयर की फेस वैल्यू से, उतने शेयर निकलेंगे। तो शेयर की फेस वैल्यू है ₹10, 1,30,000 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे आप तो आपके पास आ जाएगी नंबर ऑफ शेयर्स 13,000। तो आपने दिलावर ब्रोस को 13,000 शेयर दिए हैं, कितने का एक है 10 का, एक टोटल कितना बन गया 1,30,000। आपने 1,30,000 के एसेट लिए हैं और उसको 1,30,000 रुपए के शेयर इशू कर दिए, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं जी रजिस्ट्रेशन नंबर 7, ये इससे रिलेट करती है, देखें जी इसको। यूसुफ इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक्वायर लैंड वर्थ ₹4,00,000, बिल्डिंग 5,00,000 एंड मशीनरी वर्थ ₹1,00,000। यूसुफ इंडस्ट्रीज ने लैंड एक्वायर किया यानी कि लिया कितने की, 4,00,000 की, बिल्डिंग 5,00,000 की और मशीनरी 1,00,000 की फ्रॉम मिस्टर हयात, ठीक है, एंड ओवर हिम टू पे ₹250 इन कैश, 2,50,000 रुपए उसको कैश में पे कर दिए, एंड द बैलेंस इन फुली पेड अप शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2.50, और रिमेनिंग जितना बैलेंस बनता था उसको आपने शेयर इशू कर दिए, लेकिन शेयर आप उसको दे रहे हैं प्रीमियम पे। 10 का शेयर है कितने का दे रहे हैं आप, 12.5 का, 10+2.5 ऐड करेंगे, ठीक है। मिस्टर हयात एक्सेप्ट दिस ऑफर, पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। मिस्टर हयात ने ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, अब हमने जर्नल एंट्रीज जो है वो सिर्फ पास कर दी, ठीक है। तो देखें सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो एसेट एक्वायर किए हैं उनको डेबिट करेंगे, ठीक है, लैंड को डेबिट करें आप, कितनी अमाउंट से अभी लैंड 4,00,000। उसके बाद आपने क्या एक्वायर किया है, बिल्डिंग, बिल्डिंग को भी आप डेबिट करें, बहुत सिंपल इलस्ट्रेशन है, ठीक है, 5,00,000। उसके बाद मशीनरी भी आपको गिवन है एसेट डेबिट, ठीक है, कितना है 1,00,000। अब आपने तीनों एसेट ले ली है, ठीक है, और मिस्टर हयात को आपने टेबल बना लिया, कितने से इन तीनों एसेट्स की वैल्यू को प्लस करें, ये बन जाएगा जी 1,000,000 यानी कि 10,00,000। अब आपने क्या किया, मिस्टर हयात को
250,000 कैश में पे किया और रिमेनिंग आपने शेयर्स दे दिए। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कितने शेयर्स दिए, तो देखते हैं कि वो हमें कैसे पता चलेगा। ये वर्किंग है, आप लोग देख लें, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड टू आयात, मिस्टर आयात, ठीक है। ये कैसे निकलेगा जी आपके पास? फॉर्मूला क्या है आपके पास? अमाउंट पेबल टू वेंडर या सप्लायर या कंपनी, इसमें जो आपका लिख रहा था, डिवाइडेड बाय नेट वैल्यू ऑफ शेयर, या आप लिख लें खाली शेयर वैल्यू कि आप कितने का शेयर दे रहे हैं। अब आप देखें कि आपने हयात को पे करना था 10 लाख, ठीक है। सबसे पहले मिस्टर हयात को हम डेबिट करते हैं, चले जी पहले एंट्री करते हैं, हयात को आप डेबिट करें जी 10 लाख से, कर दिया। कैश आपने कितना पे किया है आपको? 2,50,000 कैश क्रेडिट कर दिया मैंने 2,50,000 से। अब मिस्टर हयात को रिमेनिंग आपने कितना पे करना, देखें देखें आपने कितना पे करना था 10 लाख, कैश कितना पे कर दिया आपने 2,50,000, अब रिमेनिंग कितना रह गया 7,50,000, ठीक है। तो अमाउंट पेबल टू वेंडर कितनी रह गई है, अमाउंट पेबल टू हयात कितनी रह गई है 7,50,000 डिवाइडेड बाय शेयर वैल्यू। अब शेयर की हमें वैल्यू बताई हुई है, तो नंबर ऑफ शेयर्स आप निकाल लेंगे कैसे, जितनी अमाउंट आपने पे करनी है अमाउंट पेबल टू वेंडर या मिस्टर हयात या सप्लायर डिवाइडेड बाय शेयर वैल्यू या नेट वैल्यू ऑफ शेयर, एक ही बात, ठीक है। शेयर वैल्यू कितनी है जी? 10 रुपए का एक शेयर है, कितने का दे रहे हैं आप? 2.5 प्रीमियम पे, यानी के 10 + 2.5, ठीक है। आप दे रहे हैं 7,50,000 डिवाइडेड बाय 12.5, तो करें इसको 7,50,000 को डिवाइड करें 12.5, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? 60,000 शेयर्स आपने मिस्टर हयात को 60,000 शेयर्स दिए हैं, ठीक है। अब आप एंट्री करते हैं अमाउंट, ठीक है। शेयर कैपिटल आएगा हमेशा फेस वैल्यू से, ठीक है, शेयर हमेशा फेस वैल्यू से आएगा। शेयर कैपिटल कितने हैं जी? 60,000 शेयर्स हैं, फेस वैल्यू कितनी है? ₹10, कितना आ गया जी शेयर कैपिटल? टोटल 6 लाख। रिमेनिंग क्या आएगा आपके पास? शेयर प्रीमियम या प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर, प्रीमियम आपकी इनकम है, इंक्रीज क्रेडिट। कैसे आएगा जी प्रीमियम? 60,000 शेयर्स पे आप दे रहे हैं 2.5 पर प्रीमियम, यानी कि एक शेयर पर 2.5 प्रीमियम दे रहे हैं आप, ये इंफॉर्मेशन गिवन है। तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5 ये कितना आ जाएगा आपके पास? 1,50,000। तो देखिए हमारी रजिस्ट्रेशन की कंप्लीट हो, ठीक है। इसको आप अगेन गौर से जरा देख लें, दोबारा समझ लें। आपने मिस्टर हयात से एसेट बाय किए थे, लैंड बिल्डिंग और मशीनरी डेबिट कर ली एसेट को, ये तो आपको पता है। मिस्टर हयात को पेबल बना लिया कितने से? 10 लाख से, ये भी आपको पता है, आपने अपार्टमेंट की अकाउंटिंग पढ़ी हुई है बड़े अच्छे तरीके से। अब आप जब हयात को पे करेंगे, हयात को कैश कितना पे कर दिया? 2,50,000। अब पहली एंट्री हमने की हयात को डेबिट कर दिया खत्म करने के लिए, जब पे करेंगे तो हयात डेबिट हो गया 10 लाख से, कैश कितने से क्रेडिट हो गया? 2,50,000 से। रिमेनिंग कितना रह गया आपने पे करना हयात को? 7,50,000। अब हमने नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेंगे, हमने कितने लिए, वो कैसे निकलेंगे? अमाउंट पेबल डिवाइडेड बाय शेयर वैल्यू, अमाउंट कितना रिमेनिंग रह गया? 7,50,000। आप कितने का शेयर दे रहे हैं? फेस वैल्यू शेयर की 10 रुपए, 2.5 आप प्रीमियम भी ऐड कर रहे हैं, तो करें जी 10 + 2.5, 12.5 का आप उसको दे रहे हैं शेयर प्रीमियम पे, ज्यादा पे। तो 750 डिवाइडेड बाय 12.5 ये आ गया जी नंबर ऑफ शेयर्स, 60,000 शेयर्स आपने इशू किया है आपको। शेयर आता है हमेशा फेस वैल्यू से,
शेयर कैपिटल लिखेंगे आप फेस वैल्यू से, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 10, 6 लाख शेयर प्रीमियम आ गया कितना, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5 प्रीमियम है एक शेयर का, 60,000 का कितना आ गया, मल्टीप्लाई कर दिया 60,000 के साथ, ये अभी डेढ़ लाख। इसको आप लोग नोट करें, ये वर्किंग को भी आप लोग नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट है ठीक है। इसको देखिए आपके ये कैसे निकलता है, सिंपल सा फॉर्मूला है ठीक है, जितना पेबल उसे डिवाइड करते हैं आप शेयर वैल्यू के साथ, सिंपल है।